एक व्यूअर का क्वेश्चन है कि लाइक और अनलाइक में क्या फर्क है, स्लिप और अस्लिप में क्या फर्क है, और वर्थ और वर्दी में क्या फर्क है। तो आइए फ्रेंड्स उनके कंफ्यूजन को खत्म करते हैं, क्योंकि ये सभी ऐसे वर्ड्स हैं जहां अक्सर लर्नर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए सबसे पहले लाइक और अनलाइक का कंसेप्ट समझें। जैसा कि आपको पता है लाइक मीन्स पसंद करना, जैसे मैं आपको पसंद करता हूँ, आई लाइक यू। मैं यह मौसम पसंद करता हूँ, आई लाइक दिस वेदर। मैं क्रिकेट पसंद करता हूँ, आई लाइक क्रिकेट। तो वर्ड लाइक का मतलब होता है पसंद करना, लेकिन वर्ड अनलाइक का मतलब होता है से अलग या के विपरीत। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो आप अपने पापा से अलग हैं या आप अपने पापा के विपरीत हैं, यानी यहाँ कहने का मतलब है कि आप और आपके पापा के बीच में सिमिलरिटी नहीं है या दोनों एक जैसे नहीं हैं। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू आर अनलाइक योर डैड, यानी आप अपने पापा से अलग हैं। अगर आपको कहना हो कि जुड़वा होने के बावजूद भी वो दोनों अलग हैं, यानी एक जैसे नहीं हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दे आर अनलाइक डिस्पाइट बीइंग ट्विन्स, यानी जुड़वा होने के बावजूद भी वे अलग हैं, यानी वे सिमिलर नहीं हैं या एक जैसे नहीं हैं। अगर आपको कहना हो कि मेरा ट्रिक दूसरों से अलग है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे माई ट्रिक इज अनलाइक अदर्स, यानी मेरा ट्रिक दूसरों से अलग है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला कंसेप्ट समझ में आया कि अनलाइक और लाइक में क्या फर्क है। आइए अब दूसरा कंसेप्ट समझे कि स्लीप और अस्लीप में क्या फर्क है। जैसा कि हम जानते हैं स्लीप मीन सोना, जो एक वर्ब है, जैसे मैं सोता हूँ आई स्लीप, तुम सोते हो यू स्लीप। तो वर्ड स्लीप एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सोना। लेकिन अगर हम बात अस्लीप की करें तो वर्ड अस्लीप एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सोते हुए या नींद में। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो कि वह नींद में है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज अस्लीप, मैं नींद में था, आई वॉज अस्लीप। अगर आपको कहना हो मैंने उसे सोते हुए देखा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई सॉ हिम अस्लीप। तो फ्रेंड्स आपने सीखा कि स्लीप का मतलब सोना, लेकिन अस्लीप का मतलब होता है नींद में या सोते हुए। उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों में डिफरेंसेस समझ में आ गया होगा। आइए अब लास्ट कंसेप्ट को समझ लें कि वर्थ और वर्दी में क्या फर्क है। वर्ड वर्थ एक नाउन है जिसका मतलब होता है कीमत या दाम। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो इस मोबाइल की कीमत 10,000 है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस मोबाइल वर्थ 10,000, यानी इस मोबाइल की कीमत 10,000 है। अगर आपको कहना हो कि इस सामान की कीमत क्या है या दाम क्या है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट इज द वर्थ ऑफ दिस प्रोडक्ट, यानी इस सामान की कीमत क्या है। और अगर आपको जवाब में कहना हो कि इस सामान की कीमत 100 रुपया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस प्रोडक्ट वर्थ 100 रुपीज, यानी इस सामान की कीमत 100 रुपया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने पहला कंसेप्ट समझा कि वर्थ का मतलब होता है दाम या कीमत, या दाम होना या कीमत होना, यानी यह वर्ड नाउन भी है और वर्ब भी है। जैसा कि आपने एग्जांपल्स में देखा मैंने इसका इस्तेमाल नाउन और वर्ब दोनों के जैसा किया है। लेकिन अगर हम बात वर्दी की करें तो वर्ड वर्दी एक एग्जेक्टिव है जिसका मतलब होता है के लायक या के योग्य। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो कि तुम इसके लायक नहीं हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू आर नॉट वर्दी फॉर इट, मैं इसके लायक हूँ, आई एम वर्दी फॉर इट। अगर आपको कहना हो कोई भी इसके लायक नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे नोबडी इज वर्दी फॉर इट, यानी कोई भी इसके लायक नहीं है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये सभी कंसेप्ट आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि लाइक अनलाइक में क्या फर्क है, स्लिप और स्लिप में क्या फर्क है, और वर्थ और वर्दी में क्या फर्क है। यहाँ मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप कंप्लीट लर्निंग चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट पे आइए, यानी आप मेरे वेबसाइट इंग्लिश बाय आलम पर आएं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।